ससुराई बैठी कहाँ तुम भर जा। दोस्तों तो मेरा सब काम हो गया है, मैं मंदिर से भी आ गई थी। और देखिए ये क्या बचा है, ये है धनिया की पत्ती, तो इसे मैं इसमें रख दूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैंगन भी है, तो इसे भी मैं इस गोनी में रख दूंगी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया ना, तो अभी सूख जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे रख दूंगी और इसे इस तरह से ढक दूंगी। और ये गोनी को मैं ना क्या की हूँ, गोनी को मैंने भिगा के और इसे 20 मिनट के लिए मैं ऐसे खूंटी पे रख दी थी, ताकि इसमें का सब पानी निकल जाए। तो इसमें का पानी अभी निकल गया है। और फ्रेंड्स मैं इसे क्या करूँगी, अब इसे ढक के तो इसे फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, इसे ढक के इसी तरह से रख दूँगी। ये फ्रेंड्स ख़राब नहीं होता है, ये देख सकते हैं ना, मेरा 4-5 दिन का धनिया की पत्ती है, देखिए इतने अच्छे से पड़ा है। और मैं इसी तरह से रख देती हूँ, ये थोड़ा भी सूखता नहीं है और ना ही ख़राब होता है। तो मैं इसे इस तरह से मोड़ के, इसे मतलब इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पर इसे ऐसे साइड में रख देती हूँ। और मुझे फिर जब काम लगता है तो मैं इसमें से थोड़ा सा तोड़ के वो धनिया की पत्ती डाल में, सब्जी में किस चीज़ में डालना रहता है तो डाल देती हूँ। तो देखिए मेरा सब काम हो गया है, देख लीजिए। मेरा आज पास है, तो चलिए अब मैं दूध को गर्म करती हूँ। यहाँ पे गैस पे रख दूँगी दूध। तो चलिए गैस, मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा दूध गर्म होने लगा है, ये देखिए। और चलिए अब मैं थोड़ा सा चाय बनाऊंगी पीने के लिए। ये देखिए इसमें बनाना है मुझको चाय। चलिए रुकना भी नहीं फ्रेंड्स, तो चलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ, इतना ही डालूंगी। देखिए 12-12 बजे मेरा बाबू आता है ना, तो मैं फिर जो बचेगा उससे पिला दूंगी। और यहाँ पे देखिए ना किस चीज का चाय बनाती हूँ मैं, ये देखिए, ये देखिए क्या है, देखिए ये है गुड़ बैली है। चलिए देखिए मैं इसे इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। स्वाद भी इसका अलग लगता है, सौंधापन सा लगता है इसका स्वाद फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं इसे में डाल दूँगी और ये थोड़ा ही डालने पे मीठा हो जाता है। यहाँ पे देखिए बस इतना मैं डाल रही हूँ। चलिए मैं इसे बंद कर देती हूँ। तो चलिए चाय पत्ती डालती हूँ अब। मेरी चाय अजब की चाय होती है फिर, क्योंकि मैं इसमें ना ही अदरक डालती हूँ ना ही मिर्च डालती हूँ, बस थोड़ा सा बेली डाला, थोड़ी सी आधी चुटकी या तो आधी छोटी चम्मच गुड़ मतलब चाय पत्ती डाला, मेरी चाय बन के हो गई रेडी। देखिए ना, तो अभी हम बना रहे हैं चाय, अपन पिएंगे मिल के साथ में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो मेरा सब कुछ रुक गया है उस पर, क्योंकि व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइबर तो फ्रेंड्स बहुत बढ़ रहे थे, बट अभी तो उस पर कुछ नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए तब तक हम चाय छन्नी ले लेते हैं और गिलास ले लेते हैं, क्योंकि हमारा चाय हो जाएगा जल्दी से, तो हम जल्दी से पी लेंगे। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, दूध भी और चाय की भी परिस्थिति क्या है। ये देखिए हमारा दूध भी गर्म हो रहा है, चाय भी पक रहा है। देखिए इसे मैं
हिला लूंगी थोड़ा थोड़ा, और दूध में देख रहे ना उबाल आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो दूध है ना नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि नीचे गिरने पे हमारे ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ आने वाली रहती हैं, तभी ये दूध नीचे गिरता है खपाता है। तो इसलिए हम कभी भी दूध को गर्म करें तो उस पर ही ध्यान रखें, क्योंकि दूध को बाहर नहीं गिरना चाहिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से दूध गिरना भगोने में से अच्छा नहीं रहता है फिर। तो इसलिए हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है, और चाय भी देख सकते हैं मेरी उबल गई है। देखिए कैसे ऊपर आ रही है फटाफट, ये कैसे दिखे ऐसा दिखेगा, देखिए कितने वो फटाफट ऊपर आ रही है। तो चलिए मैं थोड़ा सा मीडियम को मतलब गैस के फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ, ताकि वो आराम से उगले। नींद हमारी प्यादों ने चुराई, बैठी कहाँ तुम भर जाई, मतलब यूट्यूब ने हमारी नींद चैन उड़ा दिया है। मैंने किचन का भी वीडियो डालती हूँ फ्रेंड्स, और ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी, तो इसलिए यूट्यूब हमारा नींद और चैन दोनों भी उड़ा। देखिए फ्रेंड्स आज हो गई है, यानी कि जो गुड़ था ना फ्रेंड्स ये देख सकते हैं वो गल गया है। तो चलिए हम इसमें छान लेते हैं ग्लास में इस तरह से, और रख देंगे और गैस को बंद कर देंगे। देखिए थोड़ा हमारा बाबू पिएगा, इसमें मैं डालूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दूध, यानी कि ये कलछी, क्योंकि जो गुड़ वाला चाय रहता है ना फ्रेंड्स वो फट जाता है अगर हम गुड़ डाल देते हैं पहले। तो इसके लिए मैं गुड़ उसमें नहीं डाली हूँ, सॉरी उसमें दूध नहीं डाली हूँ, दूध डाल के नहीं उबाला है। तो ये देखिए दूध को मैंने पहले गर्म कर लिया था, खौला लिया था एकदम से, और मैं चाय को भी खौला ली थी फ्रेंड्स से। देखिए तो फिर मेरा दोनों चीज़ उबल गया यानी कि पक गया दोनों, तो इसलिए मैंने अब चाय को छान के उसमें दूध डाल ली, तो हमारा दूध भी पक गया और चाय तो पहले से ही पका था। तो इसमें देखिए ये देखिए मेरी चाय की, तो जिसको जिसको पीना है वो जल्दी जल्दी आ जाइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, आई मिस यू।